खबर रीवा जिले से है, जहां रेलवे स्टेशन से तीर्थ दर्शन यात्रा योजना के तहत ट्रेन रवाना की गई, जिसमें 300 से अधिक तीर्थयात्री रीवा जिले से शामिल हुए। यह ट्रेन द्वारिकाधीश के लिए रवाना हुई है, जिसमें तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व की टीम और सुरक्षा बल के साथ कलेक्टर मनोज पुष्प ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बुजुर्गों में खासा उत्साह देखने को मिला। दर्शनार्थियों को रवाना करने के बाद कलेक्टर मनोज पुष्प ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि इसके पहले तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थयात्रियों को तिरुपति बालाजी भेजा गया था, जो बड़ी प्रसन्नता के साथ वापस पहुंचे थे। यह ट्रेन द्वारिकाधीश के लिए रवाना की गई है, जिसमें स्वास्थ्य और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत भेजे गए तीर्थयात्रियों के उत्साह को और सुनाते हैं कलेक्टर मनोज पुष्प ने क्या जानकारी दी है। या सौभाग्य की बात या कि हम लोग का कहावा थे, वहाँ जा रहे हैं द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश के पहले उसे अपने से तो हिम्मत नहीं रही, हिम्मत तो रही मान ली, पर का कहावा थे भगवान संजोग ऐसा विधान बना दी कि मुख्यमंत्री की जय हो और प्रधानमंत्री की जय। हम लोगों की भाग्य है कि जो मामा की जय हो। क्या नाम है आपका? लालमणि पांडे। कहाँ से हैं? यूनिवर्सिटी के पास बारह APS यूनिवर्सिटी। रामाधार मिश्रा। आज आप मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, क्या सर ये बहुत अच्छा लग रहा है और भगवान के दर्शन मिलेंगे इस योजना को? ये बहुत अच्छी योजना है, बहुत अच्छी योजना है वृद्धों के लिए तीर्थाटन कराने की, अच्छी योजना है। कहाँ कहाँ की यात्रा करा रहे हैं? ये तो मात्र द्वारिकाधीश की यात्रा करा रहे हैं जी। आप तीर्थ यात्रा में जाने कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल इतनी खुशी है कि अब क्या बताएं। कहाँ से आपको ये जानकारी मिली कि तीर्थ यात्रा? हम पेपर में पढ़े हैं, पेपर में पढ़े तो निकला था एक तीर्थ यात्रा बस या पत्रिका में कि जा रही है यात्रा गाड़ी, तो जल्दी से फिर भरवाएं, कहें भर दो हम लोग भी चले जाएं, शायद हो जाए भगवान की द्वारिकाधीश कृपा हो जाए तो हो ही गया। तो मुख्यमंत्री जी को आप कुछ कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कहते हैं, तो अपने मामा जी हैं वो सबके, वो तो बहुत अच्छा काम किए मामा जी, और उनकी मंगलमय उनको मैं 2023 मंगलमय हो। मैं आनंदपुर से आई हूँ, मुख्यमंत्री साहब मुझे लोग को दर्शन करा रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, उनका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री साहब। क्या नाम है? संतोष मिश्रा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की ट्रेन आज द्वारिकाधीश के लिए गई है, जिसमें लगभग 350 जो तीर्थयात्री हैं वो रीवा ज़िले से गए हैं, उनके साथ सुरक्षा की टीम और जो हेल्थ की टीम है वो भी गई है, हमारे एक नायब तहसीलदार भी उनके साथ गए हैं। उनके सहयोग के लिए पूरी टीम गई है यहाँ से, और जो आवश्यक ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी उनके साथ है, रास्ते में उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो इसका पूरा इंतजाम किया गया है। पिछली बार तिरुपति एक ट्रेन गई थी, लोग बड़े प्रसन्न होकर लौटे थे, और इस बार भी द्वारिकाधीश के लिए यात्रा जा रही है, जिसमें ज़िले के सभी इलाकों से लोगों को भेजा जा रहा है। इस तरह के आयोजन से लगभग 350 लोग रीवा ज़िले से इसमें शामिल हुए हैं, और विशेषकर बुज़ुर्ग लोगों को इसमें काफ़ी आनंद की अनुभूति हो रही है।